को ऊपर नीचे करने के लिए हमने इसके अंदर एक इंची का पाइप डाला हुआ है, इसको मेल फीमेल बनाया हुआ है। अब ये इसकी हाइट बन गई इस वक्त यहाँ पे 32 इंच। इसको अगर हम और बड़ा जानवर, और इसको भी हम अब ऊपर कर सकते हैं, अगर बड़े जानवर हैं उसका जिस जितनी हाइट में से उसका सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह, मैं हूँ मोहम्मद रफ़ी, राणा रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज मैं अपने फार्म के ऊपर बकरियों में इस्तेमाल होने वाली खुरलियों के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो हमारे बकरियों में मोबाइल खुरलियाँ इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम उठा के अंदर बाहर भी कर सकते हैं, ये खुरलियों की ख़ास बात यह है कि इसको हम जानवरों की हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो इस वक्त खुरली की पोजीशन है, ये सबसे डाउन पोजीशन में है, और इस वक्त हम इसकी फरमाइश करें तो ये 12 इंच इसकी हाइट बन रही है। तो इसका मतलब इसमें से छोटे से छोटा बच्चा भी खुराक इजीली ले सकता है। और ये इसको हमने जिस्ती पाइप लगाए हुए हैं, और इसका बेड जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। इसके बेड के मुतलक मैं आपको बता दूँ कि ये हमने लकड़ मंडी से भट्टियाँ खरीद ली थी, 6 इंच इनकी चौड़ाई है और आधी इंची मोटाई है, 4 फुट लंबाई में है ये खुरली। इस वक्त 1.5 फुट चौड़ाई और 4 फुट लंबाई में बनी हुई है। 3 फट्टे इसके नीचे लग गए और 2 फट्टे साइडों के ऊपर यूज हो गए, और 1 फट्टा जो है वो हमने काट के 18 इंच इधर लग गया, 18 इंच इधर लग गया। इसमें से जो 1 फुट की वेस्ट बची वो इसके नीचे, इसके बेड के नीचे लगा दी। इस तरह इसमें कोई लकड़ी भी ज़ाया नहीं हुई और ये बड़े आराम से इसका फीडिंग बेड तैयार हो गया। अब ये इस वक्त बिल्कुल सबसे डाउन पोजीशन में है, हम इसको जितना चाहेंगे ऊपर उठा सकते हैं, ये 2.5 फीट तक ऊपर जा सकती है। ये जो पाइप लगा हुआ है ये 1.25 इंची का है, और जिस्ती पाइप लगाया हुआ है, इसको ये क्लंपों के साथ, इस क्लंप इसके साथ वेल्ड कर दिए, और क्लंप लकड़ी के पेच इसके साथ पेच लगा के लकड़ी में सुराख करके ये इसके साथ लगा दिए हुए हैं। और जो इसके ऊपर स्टे हैं ताकि जानवर इसके अंदर दाखिल ना हो, उसके लिए हमने इसके साथ ये लोहे की झरी लगाई हुई है, पतरी लगाई है, उसके अंदर झरी डाली हुई है ताकि ये जो स्टे हैं इनको भी हम जितना चाहे ऊपर कर लें और जितना चाहे नीचे कर लें। ये 2 स्टे लगने से कोई जानवर इसके अंदर नहीं जाते। अगर बड़े जानवरों के लिए यूज़ करेंगे तो ये स्टे ऊपर करनी पड़ेगी, वो जो जिस तरह जिसकी ज़रूरत हो वो उसके मुताबिक इसको कर सकता है। अब इस खुरली को ऊपर नीचे करने के लिए हमने इसके अंदर 1 इंची का पाइप डाला हुआ है, इसको मेल फीमेल बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेढ़ा करके, ये देखिए। अब ये हमने इसके साथ नट पेच लगाया हुआ है, ये इसके साथ एक नट वेल्ड कर दिया और सुराख कर दिया हुआ है, और ये जो है ये इसको ऐसे इसको खोल लेंगे। इसको हम जितना मुनासिब समझें इसको हम करके उसके मुताबिक इसको थोड़ा स्ट्राइट कर देंगे। जब हम इसको बकरों में सेट करते हैं तो इसको पूरी पैमाइश कर लेते हैं, और पैमाइश करके इसको सेट कर देते हैं। क्योंकि अब अगर मैं पैमाइश करके नहीं लगाऊं तो ये खुरली गिरने का डर हो जाएगा। थोड़ी सी अंदाजे के साथ इसको कर लेते हैं। जी, तो ये आप खुरली हमारी बड़ी हो गई है, इसको मैं खड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जी, अब ये इसकी हाइट बन गई इस वक्त यहाँ पे 32 इंच। इसको अगर हम और बड़ा जानवर, और इसको भी हम अब ऊपर कर सकते हैं, अगर बड़े जानवर हैं उसका जिस जितनी हाइट में से उसका सर गुजर जाएगा, अगर मजीद करना चाहे तो इसको मजीद भी ऊंचा कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि खुली आपको पसंद आई होगी और ये जो सेटिंग सारी हमने की ये भी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।